क्लास रिकॉर्डिंग पर आ चुकी है। शुरू करते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 6। डेट है आज की 6/1/2022 और एक्सरसाइज है 13.2। क्वेश्चन नंबर 6 पर हमें सभी बुक में देखेंगे। अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 616 मीटर स्क्वायर। एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है, ठीक है, इसका एरिया कितना दिया पूरा 616 मीटर की स्क्वायर। फिर इसके अंदर एक बात बताइए कि इसके बिल्कुल सेंटर में एक स्प्रिंकलर है। स्प्रिंकलर होता है एक फव्वारे की तरह पानी फेंकता है, जगह जगह थोड़ा थोड़ा दूर दूर तक पानी फेंकता है चारों तरफ घूम घूम के, ठीक है, वो पानी फेंकता है, पानी भरता है उसके गार्डन में, पौधों को पानी देता है। एक स्प्रिंकलर लगा है एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन एन एरिया ऑफ दैट हैज रेडियस। वो किसको कितने बड़े एरिए को पानी दे सकता है, वो दे सकता है कहाँ तक, जितनी बड़ी रेडियस है। कितनी बड़ी रेडियस, रेडियस जब 15 मीटर तक की रेडियस हो तो उतने एरिए, उस रेडियस से जितना एरिया कवर होता है उस एरिए को वो पानी से नहला सकता है, भर सकता है। यानी रेडियस अब हमें जैसे दी हुई है 15 मीटर, तो हम पहले ये पता करेंगे कि यहाँ पर एरिया कितना बनेगा। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया बन जाएगा, फॉर्मूला हमको मालूम है ना पाई आर स्क्वायर से, 22/7 और 15 × 15 लिखेंगे हम यहाँ पर, तो ये हमारे पास बनेगा 15 को 15 से इंटू करेंगे तो 225 होता है। फिर हम 225 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 450 मल्टीप्लाई करके, तो 0594। तो हमारे पास 4950 डिवाइड बाय 7 भी है, 4950 डिवाइड बाय 7। अब 7 से इसे डिवाइड करते हैं, 7 7 जा 49 5 5, तो जा नहीं सकता, पीछे का एक नंबर उतारना पड़ेगा, उसके लिए 0 लगा दिया, फिर 7 जा 49, फिर 1 आ गया। आप देख सकते हैं इसका आंसर आया 707 पॉइंट। आप यहां पर अगर डेसिमल लगाते हैं यहां पर अगर आप डेसिमल का यूज करके यहां एक जीरो लगाते हैं तो 7 बन जाएगा 7 भी जाएगा, फिर 3 आ जाए, फिर 0, फिर 4 लगा सकते हैं, तो आपके पास 14 आएगा, 707.14 मीटर की स्क्वायर। पानी कितने बड़े एरिए को, जो स्प्रिंकलर जो है, स्प्रिंकलर जो फव्वारा है, वो कितने बड़े एरिए को पानी दे सकता है, वो दे सकता है 707.14 मीटर की स्क्वायर। और उस गार्डन का एरिया कितना है, एरिया ऑफ गार्डन है 616 मीटर की स्क्वायर है। तो आप मुझे बताइए क्या फव्वारा इस पूरे गार्डन को पानी से भर नहीं सकेगा, इनके प्लांट्स में पानी नहीं डाल पाएगा, वो तो गार्डन के एरिया से भी ज्यादा एरिया को पानी देने की क्षमता रखता है। 707 है ना इसका आंसर, तो जो फव्वारा है, फाउंटेन जो है, स्प्रिंकलर जो है, वो स्प्रिंकलर तो 760 मीटर की स्क्वायर को पानी दे सकता है और इस गार्डन का एरिया तो केवल 616 मीटर की स्क्वायर है। इस पूरे गार्डन को ये पानी दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? Yes, sir, आ रही है। आ रही है तो जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर क्यों नहीं दे रहे? हाँ, तो इसका आंसर लिखेंगे यस, द स्प्रिंकलर
yes, the sprinkler will water the entire garden. Entire माने पूरा सारा पूरे गार्डन को वो पानी दे पाएगा. क्वेश्चन नंबर 7. द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर गार्डन. एक सर्कुलर गार्डन है उसका डायमीटर 84 मीटर दिया है. ऑन इट्स आउटसाइड इसके बाहर की तरफ देयर इज 3.5 मीटर वाइड चौड़ा रास्ता है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट ₹20 पर स्क्वायर मीटर. देखिए हुआ क्या है, ये एक गार्डन है ठीक है. इस गार्डन के बाहर एक रास्ता है. ठीक है, ये है अंदर का एक मिनट बेटा, इसमें कुछ दिक्कत हो रहा है. अंदर वाले का जो डायमीटर है वो आपको दिया हुआ है 84 मीटर है ना, यही बोला है. और 84 मीटर है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 42 मीटर. और फिर जो रास्ता बताया है वो कितना चौड़ा रास्ता बताया है, 3.5 मीटर. तो इसमें आपको दो रेडियस दिखाई देंगी, एक रेडियस अंदर तक और एक रेडियस बिल्कुल बाहर तक. बाहर तक जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक 42 और फिर 3.5. 42 में अगर 3.5 प्लस कर दोगे तो कितना बनेगा, 45.5. तो 45.5 मीटर बाहर तक की रेडियस है. आपको कभी भी अब आपसे मांगा गया है कि भाई ये जो रोड बनाया है, ये जो रोड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो रोड है जिसको येलो कर रहा हूं मैं, इस रोड को बनाने का खर्चा कितना आएगा. तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि रोड बनाने का खर्चा पता करने से पहले आपको इस रोड का एरिया पता करना पड़ेगा कि इसका एरिया कितना है, ये कितना एरिया घेर रहा है, इस रोड का एरिया पता करना है. तो एरिया ऑफ रोड अगर आपको निकालना है, पहले तो ये गार्डन है, डायमीटर ऑफ गार्डन कितना है, गार्डन का डायमीटर बोला है 84 मीटर. तो रेडियस ऑफ गार्डन कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ गार्डन वो हो जाएगा 84 का हाफ यानी 42 मीटर. ठीक. उसके बाद विड्थ, विड्थ माने होती है चौड़ाई, विड्थ ऑफ रोड, रोड की चौड़ाई कितनी है, 3.5 मीटर. तो फिर एक रेडियस बनेगी, रेडियस ऑफ गार्डन, गार्डन का रेडियस विद रोड, जिसमें रोड भी शामिल है, तो उसका रेडियस बनेगा 42 प्लस 3.5 मीटर, जो कि हमने प्लस किया तो कितना बना, 45.5 मीटर. अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड. रोड का एरिया निकालने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ गार्डन विद रोड. एक निकलेगा रोड के साथ का
गार्डन का रोड के साथ एरिया कितना बनता है, और उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ गार्डन, सिर्फ गार्डन का एरिया। एक तो बनेगा जिसमें गार्डन और रोड दोनों शामिल होंगे, और एक वो बनेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ अंदर का गार्डन होगा। गार्डन कौन सा है वो बता बना देता हूं इसमें, ये गार्डन है ठीक है, ग्रीन वाला जो अंदर गार्डन। तो एरिया ऑफ गार्डन, गार्डन का फॉर्मूला है पाई, क्योंकि सर्कल है दोनों, तो पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर। तो पहले वाली जो छोटी रेडियस है, जो गार्डन की रेडियस है, उसको हम आर वन कह देंगे, और जो बड़ी रेडियस है उसको हम आर टू कह देंगे। तो ये आर टू का स्क्वायर में से आर वन का स्क्वायर माइनस होगा। अंदर तक का आर वन है और बाहर तक की आर टू है। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इनमें इन दोनों में आप देखेंगे तो पाई कॉमन है ना। तो पाई हम बाहर निकाल सकते हैं, अंदर कौन रह गई, आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर। पाई है हमारा 22 बाई 7, आर टू कौन है 45.5 का स्क्वायर, आर वन कौन है 42 का स्क्वायर ठीक। तो हम एक काम करते हैं, पहले 45.5 का स्क्वायर कर देते हैं, 45.5 को 45.5 से ही मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा, 5 5 25 carry 2 5 5 25 2 27 carry 2 5 4 20 into 22, फिर 5 से इंटू करोगे तो 5 7 2 फिर आएगा। अब आ गई बारी 4 से मल्टीप्लाई करने की, 4 5 20 carry 2 4 5 20 or 2 22 carry 2 4 4 16 or 2 18, 5 5 7 12 carry 1 10 carry 1 6 1 7 10 carry 1 2, एक के बाद यहाँ और एक के बाद यहाँ, तो दो के बाद आ गया। तो आपके पास आएगा 22 by 7, इसका मल्टीप्लाई आएगा, और 42 का भी तो करना है, 2 2 4 2 4 8 4 2 8 4 4 16 4 8 8 16 carry 1 17 64 ठीक है। अब क्या करना है, 2070 वाले में से माइनस करना है, 2070.25 में से हमने माइनस कर दिया 1764 को, तो कितना आएगा, 2.5 यहाँ आ गया, यहाँ से माइनस हो गया तो 6 आ गया, 6 में 6 दिया 0 आ गया, 3 आ गया। तो आपके पास जो बचेगा अब कैलकुलेशन करने के लिए, 22 by 7 मल्टीप्लाई 306.25 ठीक। 7 से अगर ये कटता है, डिवाइड होता है, तो कर दीजिए थोड़ा, देखिए कितना आएगा, कैरी ले लिया तो वन क्यों आएगा, कहाँ से, हाँ 7 4 28 2 बचेगा, 2 के बाद 6 लगा 26 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, फिर 5 जाएगा, 5 के बाद कितना लग जाएगा 2 52, तो हाँ ये पूरा जा रहा है बेटा पूरा, 7 1 7 7 4 28 2 चला गया 26, तो 7 3 21 डेसिमल से पहले तक हो गया, 26 में से 21 गया तो 5 बचेगा, 5 के बाद 2 लगा 52 हो गया, 7 7 जा 49, 52 में से 49 गया तो 3 बचेगा,
थ्री के बाद फाइव लगा तो 35 हो जाएगा, तो 7 5 जा 35, तो अब आपके पास क्या बचा, 22 और 43.75। 43.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो हमारा आंसर आएगा, एरिया आएगा रोड का, एरिया होगा 2 5 10 कैरी 1, 2 7 14 और 1 16 कैरी 1, 2 3 6 और 1 7, 2 4 8, इधर 2 से फिर वो मल्टीप्लाई आएगा तो सेम आएगा 0 5 12 कैरी 1 कैरी 1, तो 2 के बाद 962.50, तो हमारे पास आ गया 962.50। ये जो आंसर आया है ये सब आया हमारा मीटर में, क्योंकि सब मीटर में था, ये एरिया रोड का एरिया है, किसका एरिया है ये रोड का, क्योंकि हमने गार्डन विद रोड उसका एरिया अलग निकाला, उसमें से माइनस किया गार्डन, सिर्फ गार्डन का, तो रोड का बच जाएगा अपने आप ही। अब हमारा क्या कैलकुलेशन रह गया, इन्होंने हमें कॉस्ट बताया था, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना बताया हमें, फॉर 1 मीटर की स्क्वायर का खर्चा कितना है, ₹20, 1 मीटर की स्क्वायर का खर्चा ₹20 बताया हमें, लेकिन क्या रोड का एरिया 1 ही मीटर का स्क्वायर आया है, नहीं, उसको लिख कह सकते कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर 962.50 मीटर की स्क्वायर इक्वल ₹20 मल्टीप्लाई 962.50 कितना आएगा, पहले तो ये दो एक जीरो इसके और एक जीरो लगा के सीधा सीधा हमने जीरो लगा दिया, अब 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19, 2 के बाद डेसिमल, तो आपका आंसर है 19,250। देख के बताइए कितना आंसर है इसका, ठीक है, बस उसमें डेसिमल लगा, वो गलत लगा, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। 19,250 रुपये टोटल कॉस्ट आएगी, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, पहले हमने इसमें रोड का एरिया निकाला, उस रोड के एरिया से ही फिर हमने उसकी कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया है, अच्छे से समझ लेना इसे, देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है, अ पीस ऑफ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, एक वायर है जो रेक्टेंगल के शेप में लगाई हुई है, ये एक वायर को ऐसे रेक्टेंगल बन रहा है, वो रेक्टेंगल जिसमें ऑफ 8.9 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8.9 सेंटीमीटर लंबी है और 54 मिलीमीटर चौड़ी है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें 10 से डिवाइड करना होता है, तो ये हमारी 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर बनाना हो तो 10 से डिवाइड करते हैं, ये तो हो गया रेक्टेंगल के बारे में, और उसके अंदर वायर लगी हुई है, इसी वायर को इन्होंने क्या किया है, रीशेप किया है, रीशेप का मतलब उसकी शेप बदल के दूसरी कोई और शेप बनाई है, और उसको बदल के क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, यही तार बाद में सर्कल में बदल दिया, खोल के एक जगह से किसी एक कॉर्नर से खोल के वापस सीधा करके उसको सर्कल में बदल दिया, तो आपको इसकी रेडियस फाइंड करनी है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि इसमें जो तार लगा है, जो वायर इसमें लगा सर्कल में, वो वायर वही तो था जो रेक्टेंगल में था, है कि नहीं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस का मतलब भी पेरीमीटर ही होता है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है वो बराबर होना चाहिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ
रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल की ही बाउंड्री का तार है वो। तो इसका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर, और इसका फॉर्मूला है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। जिनमें से हमारे पास किस किस की वैल्यू है, इसमें 2 की वैल्यू है, 22/7 की वैल्यू है, रेडियस नहीं पता। इसमें हमारे पास किस किस की वैल्यू है, लेंथ हमें 8.9 सेंटीमीटर बोला है और ब्रेथ हमें 5.4 सेंटीमीटर बन गया, ये सब सेंटीमीटर। के बाद आप जानते हैं 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों का अगर हम प्लस कर दें, 8.9 5.4 इन दोनों का प्लस कर दें तो हमारे पास 14.3 आ रहा है, 14.3। और ये दोनों जो यहाँ पर ऊपर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो डिवाइड में चले जाएंगे और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 22 जो था वो नीचे चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 22, और नीचे वाला 7 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर बचा कौन, रेडियस बचा। अब इनका जो कैलकुलेशन होगा वो इनका आंसर है। पहले तो इसका हम एक काम करते हैं, डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल का 1 लेंगे, पीछे एक नंबर है तो 1 0, ये हमारे पास बच गया डिवाइड में 10। अब आप देख सकते हैं 2 से 2 गया, ठीक है, 11 के टेबल से 11 2 जा, ये जाएगा 11 बन जाए 11, 11 2 जा 33। आपके पास बचा है 13 7 91 by 10 2 20 सेंटीमीटर, और 91 को अगर आप डिवाइड करते हैं 20 से, 24 जा 80, डेसिमल लगा के 0 5 जा 100, फिर 1 0 लगा सकते हैं 5 जा 100। तो आपके पास जो रेडियस आई है वो है 4.55 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.55 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर अगर इसे, अब आंसर में बुक में पीछे मिलीमीटर बोल रखा है ना, मिलीमीटर में कैसे आएगा, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए हम 10 से डिवाइड करते थे, अब वापस इसको क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करके मिलीमीटर में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 45.5 मिलीमीटर। ओके ओके सर, हाँ वो 45.5 मिलीमीटर में, अगर सेंटीमीटर में होता तो 4.55 होता, 4.55 होता सेंटीमीटर, बट इसे क्योंकि मिलीमीटर में दिया है तो वो 45.5 है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में 2 सर्कल दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं उनको रिंग की शेप पे बनाए हुए, एक की रेडियस छोटी आ रही है, एक की रेडियस बड़ी आ रही है ना, एक छोटी आर है और एक की रेडियस बड़ी आर है, और इनका सर्कमफ्रेंस भी अलग अलग बताया हुआ है। तो एक का सर्कमफ्रेंस बड़ी रेडियस वाला, सर्कमफ्रेंस एक का 2 पाई, उसकी रेडियस ये वाली आर ली जाएगी, दूसरे सर्कमफ्रेंस 2 पाई, उसकी रेडियस छोटी वाली ली जाएगी। तो देख लेते हैं, जो बड़ी वाले का जो सर्कमफ्रेंस हमें दिया है वो दिया है 132, और छोटी वाली का जो दिया है उसको ऐसे लाइन डाल के अलग अलग कर लेते हैं, 2 पाई आर, और वो दिया है 88, ठीक है, सेंटीमीटर है दोनों। तो रेडियस निकालते हैं, 2 × 22/7 बड़ी आर इक्वल 132, बड़ी आर ये नहीं रहेगी तो 132 के पास 7 ऊपर जाएगा और 2 और 22 नीचे आएगा, सेम यहाँ पर भी होगा, 2 × 22 × r और 88, यहाँ पे 7 भी था,
छोटी आर यही छोड़ोगे तो 88 के पास 7 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा और 2 × 22 नीचे आएगा। अब आप इनको देख सकते हैं कट रहे हैं, 22 के टेबल में सीधा 4 पे गया और 2 के टेबल में ये सीधा 2 पे गया, कितना आएगा 7 × 2 = 14 सेंटीमीटर। इधर इधर भी ऐसा ही कुछ है, 2 के टेबल से जाएगा तो 66 पे जाएगा और 22 के टेबल में सीधा ये 3 पे काट देगा, तो कितना आ गया 7 × 3 = 21 सेंटीमीटर। हमसे मांगी थी इनका डिफरेंस, डिफरेंस मांगा है, डिफरेंस बिटवीन रेडी जो रेडियस है उनके बीच में, तो बड़े आर में से छोटा आर माइनस कर दो, वही डिफरेंस है 21 सेंटीमीटर माइनस 14 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो आज के लिए मैं इतना ही छोड़ रहा हूं, होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 9, ठीक है, कंप्लीट इन हाँ। बाकी क्वेश्चन के लिए मैं हो सकता है वीडियो बना करके सेंड कर दूँ, नहीं तो बाकी कल तो क्लास अंदर ही लेंगे, ठीक है, आप लोग मुझे अटेंडेंस दे सकते हैं।